मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अभी एक रिपोर्ट आई है, सुनी किसी ने? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर सर, न्यूज़पेपर पढ़ा है? अमर उजाला नहीं, द हिंदू। देखो मैं डिटेल में क्लाइमेट चेंज को डिस्कस नहीं करूंगा, अदर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वही है, मैं तो फिर वो चार घंटे यहीं पे निकल जाएंगे। बट मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मुझे हर रोज बता देना, हम एक एक डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट, ताकि वो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। रिपोर्ट आई है विच सेज दैट मेल्टिंग ऑफ आर हिमालयन ग्लेशियर। देखो मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर होता नहीं और कोई भी एनी ग्लेशियर, द रीजन इज क्लाइमेट चेंज, है ना? नो द वी शुड नो द वर्ल्ड लेवल सिनेरियो क्या चल रहा है। आपको इस पर तो डेफिनेटली, ये तो आज आपने देखा होगा एग्जाम, द मोस्टली नाउ द एग्जाम इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बेस्ड साइंस सेंटर, ठीक है। द रीजन एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज द अदर सब्जेक्ट लाइक क्वालिटी हिस्ट्री दे हैव अ लिमिटेशन, उसमें जो लिखा है, है ना, उसको क्वेश्चन को रिपीट कर करके वो घुमा घुमा के कितनी बार पूछेंगे। नाउ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक हैव अ लॉट ऑफ वी कैन से पोटेंशियल, जहाँ पर वो अलग अलग हर बार क्वेश्चन चाहे 100 पूछ ले, ये अंत नहीं होगा इसका, क्योंकि दिस इज द प्योरली अ करंट अफेयर। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वन इज क्रायोस्फीयर, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी। अनदर वन इज ओशियन हेल्थ इकोनॉमी फूड स्केल एंड देन वन मोर इज फॉरेस्ट, ये इशू है वेदर इट इज ऐसे और अ क्वेश्चन ऑन इन अ मेंस एग्जामिनेशन, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। वन इज अ क्रायोस्फीयर, देन ओशियन, देन फॉरेस्ट, हेल्थ इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी। तो आज हम क्या करेंगे, क्रायोस्फीयर, बिकॉज क्रायोस्फीयर इज अ क्रायोस्फीयर क्या है, फ्रोजन, है ना, द फ्रोजन पार्ट ऑफ अर्थ, सिंपल, हिमालयन ग्लेशियर आर पार्ट ऑफ दिस। नाउ मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट, है ना, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। एक तो देखो ऊपर से आएगा वाटर, अगर मैं अंटार्कटिका वगैरह या आर्कटिक की बात करूँ, है ना, वहाँ से वाटर मेल्ट होगा, इट विल कम डाउन टू ट्रॉपिकल रीजन, है ना, एक तो यहाँ पर आ गया। अब ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, एंड वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्रीज। अब पोल्यूशन किया किसने पास्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज, तो नुकसान किसको हो रहा है, लेकिन इनको भी होगा, एक है पॉइंट हेल्थ में, ठीक है। एक तो ये इशू हो गया दैट कंसर्न फॉर द ट्रॉपिकल कंट्रीज, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। सेकेंड क्या है, जब सनरेज आती है इट फॉल ऑन अ क्रायोस्फीयर, आइस पर फॉल करती है एंड रिफ्लेक्टेड बैक, बट जब आपका ग्लेशियर डिक्रीज होगा उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एल्बिडो कहते हैं उसको ज्योग्राफी, है ना, एल्बिडो विल डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन डिक्रीज होगी, इट मीन्स द मोर सनलाइट विल फॉल ऑन अर्थ, तो मोर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, ठीक है। द थर्ड वन इज परमाफ्रॉस्ट, यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परमाफ्रॉस्ट पता है किसी को, हाँ जी, मतलब बोले यार क्या हुआ, परमानेंट फ्रोजन। नो व्हाई द परमाफ्रॉस्ट इज अ कंसर्न, ये सारे इसी के पॉइंट हैं, ये नोट करते जाना था। दिस इज एप्लीकेबल टू हिमालयन ग्लेशियर में भी यही पॉइंट है,
थोड़ा सा इंडिया का एंगल डालेंगे। परमाफ्रॉस्ट है क्या? इट इज अ फ्रोजन सॉइल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ द सॉइल इज फ्रोजन एंड इफ इट मेल्ट्स व्हाई देयर इज अ सो मच कंसर्न कि इसको मेल्ट नहीं होने देना। ये करवाया गलत दस रहे यार, करवाया थोड़ा ठीक है, बट एक जो मेन गैस है दैट इज मीथेन। देखो सपोज दिस इज अ सॉइल पार्ट, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज देयर, फॉरेस्ट पार्ट या कोई ग्रास इज देयर। नाउ इफ दिस एरिया इज फ्रोजन, अब इस एरिया को आपने फ्रोजन कर दिया, इट मीन्स दैट जो भी लीव्स एंड ऑल दीस थिंग है वो कहाँ पर चली गई? सॉइल में। नो दे आर ट्रैप्ड इन अ सॉइल, इट मीन्स दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या होंगे? डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे। दे विल, दे आर नॉट एक्टिव एट दिस टाइम व्हेन द सॉइल इज फ्रोजन, ठीक है। इनएक्टिविटी ऑफ, इट मीन्स दैट विद द फॉर्मेशन ऑफ परमाफ्रॉस्ट द ऑल प्लांट पार्ट्स सबमर्ज्ड अंडर द सॉइल एंड द वेरियस वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम इनएक्टिव। ये हो गया, आपने ट्रैप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ इफ दिस सॉइल मेल्ट, अगर इसकी मेल्टिंग होगी क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है जब फीवर होता है उसमें होता क्या है, एंजाइम आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द फूड क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर वो एंजाइम काम नहीं करते, इट मीन्स दैट दे आर अनएबल टू ब्रेक डाउन फूड, तो उससे क्या होता है एनर्जी कम आती है, एनर्जी कम आएगी तो हमें कमजोरी महसूस होती है। सिमिलरली अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए बट दिस इज अ बिलो 0 डिग्री तो यहाँ पर तो एक्टिव नहीं होगी, बट वेन अगर क्लाइमेट चेंज से ये मेल्ट होगी तो क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब विद द एक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट पार्ट्स, क्योंकि प्लांट पार्ट्स बनते है ना, प्लांट पार्ट्स तो पहले ही थे, अब इनका ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? रिलीज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट पार्ट्स, इससे क्या होगा? रिलीज ऑफ मीथेन टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ। नाउ दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट विच सेज दैट द आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस विच इज प्रेजेंट इन द इन दिस यूनिवर्स और ऑन अर्थ एट राइट। तो अगर ये सारी मेल्ट हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा? और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी एंड इट मीन्स दैट अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ फर्दर क्लाइमेट चेंज। समझ आए परमाफ्रॉस्ट का अंदर? तो ये तो आपने लिखना ही लिखना है, इसके बिना आंसर कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि एसी ने पूछा हुआ है 2017 में पूछा हुआ दैट इम्पैक्ट ऑफ ऑन क्रायोस्फीयर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आ, तो अगर ऐसे आए तो ये पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। अब हिमालय की बात कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर इज देयर, हिमालय में मेल्टिंग होगी। नाउ मेल्टिंग से हिमालय से होगा क्या? द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स विल इंक्रीज। अब वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा? इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द समर वहाँ पर फ्लड आएगा, बट दूसरे सीजन में क्या होगा? लेस वाटर, है ना। तो लेस वाटर से क्या होगा? दैट इंडो गंगेटिक रीजन जो हमारा है गंगा का, ये वो सारा दैट इज़ अ फूड बॉल ऑफ इंडिया, तो उसको हर्ट करेगा एग्रीकल्चर। मैं लिखवा दूंगा यार थोड़ी थोड़ी बात, ठीक है। एग्रीकल्चर को हर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, अब एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट होगा तो उससे और क्या होगा? इकॉनमी पर इम्पैक्ट होगा, इकॉनमी पर इम्पैक्ट होगा तो पोलिटिकल लेवल पूरा इम्पैक्ट होगा, दैट नेशन हैव टू फेस दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। पॉवर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ये हो गया। कोई भी ग्लेशियर आ गया
यू कैन राइट, ठीक है, सेम रहेगा फ्लो चार्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. एनी क्वेश्चन? क्लाइमेट चेंज इससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड इट लीड टू इंक्रीज इन मीन सी लेवल. उससे क्या होगा, कोस्टल इरोजन. कोस्टल इरोजन और सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया. ठीक है, रिपीट करो. सी, इंक्रीज इन मीन सी लेवल एंड देन कोस्टल इरोजन प्लस सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया. नाउ दिस कोस्टल एरिया इज सब ऑफ अ कंट्रीज लाइक आइलैंड पे होगा एक, देन डेवलपिंग कंट्री होगा, है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एरिया. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब यहाँ पर आपने ये सारा ड्रॉ कर लेना है. इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वी कैन से सोशल इम्पैक्ट एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट. इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लॉस ऑफ जीडीपी, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना. इकोनॉमी इम्पैक्ट में क्या होगा, वन इज लॉस, लॉस इन जीडीपी. द रीजन इज हार्म टू फिशरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा. वन इज वी कैन से फिशरी सेक्टर लॉस. देन द वेरियस एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म, उसमें कमी आएगी क्योंकि यहाँ से इरोजन हो रहा है. ठीक है, देन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे वो मैंग्रोव वगैरह से वो लेते हैं ना फार्म और कोस्टल कम्युनिटीज, लॉस ऑफ दैट ऑल्सो. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, दैट मेजर सेक्टर लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सारे इकॉनमी के इशू, पॉलिटिकल इशू कोई खास नहीं है, बस सरकार गिर जाएगी. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चैलेंज टू द गवर्नमेंट. ठीक है, देन सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सी वन इज द सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, ब्रेकेज इन द बॉन्ड इन अ फैमिली, क्योंकि अब बच्चे और बूढ़े तो वहीं पे रह जाएंगे क्योंकि फ्लड एंड ऑल दिस सिचुएशन, दे आर अनएबल टू, है ना, बीयर विद दीज ऑल वी कैन सी डिजास्टर्स. तो जवान जो है वो काम पे जाएंगे, दे विल मूव टू द सिटीज, सिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट. तो आपके जो यंगर सेक्टर है वो तो हो गया सिटीज में मूव, बट द वी कैन से ओल्डर एंड यंग चिल्ड्रंस, है ना, तो वो सारे पीछे रहेंगे. सो दैट बॉन्डेज विल ब्रेक विद द सोशल, बाकी सोशल इशू जो भी है, दैट माइग्रेशन इज देयर, वो सारे आप हो गए. सिक्योरिटी में क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इज अ चैलेंज. देन इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन. रेडिकलाइजेशन कैसे होगा, रेडिकलाइजेशन देखो, इंजीनियर को कितने मिल रहे हैं पैसे आजकल, आजकल के दौरे टाइम पे 50,000 कंपनी में मिली ISIS वहाँ पर 50,000 केरला, और हमने देखा ना दैट दे आर प्रोवाइडिंग अ 50,000 पर मंथ जो भी टेररिस्ट हैं. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रोवाइड मोर. लेकिन यहाँ पर जब ऐसे होगा इट लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड देर आर चांसेस दैट इंक्रीज इन रेडिकली. ठीक है, उसके बाद एक पॉलिटिकल में आप और नोट कर सकते हो, दैट इज रीजनलिज्म. रीजनलिज्म विल इंक्रीज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल डिमांड मोर मनी फ्रॉम अ सेंटर. तो सेंटर के पास इतनी मनी है नहीं, है ना, तो अल्टीमेटली वो एक क्या कहते हैं उसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो ब्रेक हो जाए. सो दीज ऑल आर इशू. तो इसमें हम हिमालय के केस में दो तीन डेटा नोट कर लेते हैं, समझ आए. कोई भी क्वेश्चन आ गया, वेदर इट इज़ ऑन अ क्राइवस्पेयर, वेदर इट इज़ ऑन दिस हिमालय, तो इशू वो सेम रहेगी. हिमालय में थोड़े से इंडिया की परस्पेक्टिव वो हम लिख लेते हैं. क्लियर, रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म रेडिकलिज्म भी नहीं, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी
दैट द यंग पीपल विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का केस आ जाएगा। दे कैन मूव इन टू एदर वे और जो वो दिमाग जैसे काम करते हैं। वन इज रेडिकलिज्म, सेकेंड इज विद द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इशू ऑफ अ नेशन विल ऑलवेज इन थ्रेट, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया है, वी आर 7500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली कोस्टल एरिया है, ठीक है। सो इफ द कोस्टल एरिया पीपल आर नॉट सिक्योर देन इट इज अ मेजर थ्रेट टू अ इंडिया सिक्योरिटी। अब लिखो रिसेंट स्टडी हिमालय के बारे में, रिसेंट स्टडी सेज दैट हिमालयन ग्लेशियर melted twice since 2000 ठीक है। तो दो इफ वी कंपेयर द 1975 टू 2000 ये एक फेज था, नाउ आफ्टर 2000 देयर मेल्टिंग इंक्रीज एट अ ट्वाइस रेट। तो पहले अगर जितने भी फोर अराउंड 4 बिलियन टन जो एक साल में जाती थी आइस, नाउ इट इज अ 8 बिलियन टन। तो इसका इम्पैक्ट यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। रीजन क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजिंग रेन पैटर्न, क्योंकि रेन पैटर्न से क्या होगा, इफ देर इज अ रेन देर विल बी आइस, अदरवाइज क्योंकि अगर रेन होगी तभी तो वो आइस में कन्वर्ट होगी ना। चेंजिंग रेन पैटर्न सेकेंड हो गया, थर्ड वन इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल। नाउ विद द बर्निंग फॉसिल फ्यूल क्या होगा, एनी वन हु कैन लिंक द बर्निंग फॉसिल फ्यूल विद द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, ब्लैक कार्बन कैन बी देयर। अब वो मटेरियल अगर आइस पर जमेगा, ठीक है, द ब्लैक कार्बन एंड अदर थिंग्स, तो वो क्या करेगा, उसकी एल्बिडो कम करेगा। प्रीवियसली द वी कैन से सन रेज रिफ्लेक्टेड बैक बाय आइस, नाउ उसे क्या होगा, एल्बिडो डिक्रीज होगी, है ना, एंड अल्टीमेटली दे विल अब्सॉर्ब द वेरियस रेडिएशन, उसे क्या होगा, मेल्टिंग विल फर्दर इंक्रीज। देन ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, इंडिया के इशू लिख रहा हूँ, वट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, रिलीज ऑफ मीथेन गैस, नो वाई इट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, मेल्टिंग तो होगी, है ना। अब कंसर्न क्या है इंडिया के, सीधा 750 मिलियन पीपल, 750 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन दीज हिमालयन रिवर्स, ठीक है, वेदर इट इज इन वी कैन से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, दीज आर मोर देन US पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द लाइवलीहुड दीज पीपल 750 मिलियन इज डिपेंडेंट अपॉन हिमालय। तो अगर हिमालय मेल्ट होगा द वाटर लेवल विल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली इम्पैक्ट द लाइवलीहुड ऑफ पॉपुलेशन। सो इफ आई कंपेयर द अंटार्कटिक और आर्टिक विद द हिमालयन ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर हैव अ मोर इम्पॉर्टेंस, द रीजन इज दैट लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन दिस हिमालय। सो इफ हिमालय मेल्टेड इट विल लीड टू अ अनएम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर वही ये आएगा सारा, ठीक है, मतलब ये बेसिक है आपका। इफ दी आस्क अबाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, अगर आप यहाँ पर ओशियन की बात करोगे तो वो इम्पैक्ट जो होगा वो दैट विल बी अ सेम, उसमें सिर्फ डॉट चेंज होंगे, ठीक है, सो दिस विल बी अ सेम। तो अनदर इज, ठीक है, सो इट मीन्स दैट 750 मिलियन पीपल लिख लिया आपने, ओके, इम्पैक्ट क्या होगा, वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होगा, अच्छा बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पे जाती, हाँ जी,
नहीं मतलब लैटिट्यूड की बात, जो ट्रॉपिकल रीजन में है या ऊपर जैसे जाते हैं। इफ आई गो इन वी कैन से थ्रू माउंटेन्स लोअर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या ऊपर लोअर लेवल? ओके, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा होगी या ऊपर पे? अगर मैं लाइट की बात करूँ लोअर लाइट पर ज्यादा होगी या ऊपर पे? अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ लोअर न्यूट्रिशन पे ज्यादा होगी या ऊपर पे? ये गलत, लोअर न्यूट्रिशन। क्यों? ये हमारी हो चुकी है ना बात क्लास। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही यहाँ पर, बिकॉज न्यूट्रिशन हैव अ ऑपोजिट रिलेशन विद द बायोडाइवर्सिटी। अब वो कैसे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, फाइव पीपल हु आर डिपेंड अपॉन अ न्यूट्रिशन, वो दाल रोटी खा रहे हैं अपने, ठीक है, सपोज दे आर वेजिटेरियन, ठीक है, अब वेजिटेरियन है, द फूड इज इनफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स न्यूट्रिशन इज इनफ, दे विल एबल टू ईट, वो खाएंगे अपना, एंड डाइवर्सिटी तो नहीं होगी इससे, पांच बंदे पांच ही रहेंगे, मतलब तो वो सेम ही स्पीसीज रहेंगी, है ना। नाउ सपोज करो न्यूट्रिशन की कमी होगी, दैट न्यूट्रिशन डिक्रीज, इट मीन्स दैट दे हैव टू शिफ्ट टू सम अदर सोर्स, तो इन दैट केस दे कैन बी नॉनवेज, अब नॉनवेज बनेंगे, इट मीन्स दैट दे विल शिफ्ट टू अदर प्लेस, है ना, तो उनसे अलग हो जाएंगे। विथ दिस सेपरेशन ड्यूरिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड लेटर ऑन जेनेटिक इम्पैक्ट, वो एक अलग स्पीसीज बन जाएगी, इट मीन्स दैट बायोडाइवर्सिटी इज इनक्रीज विद डिक्रीज इन न्यूट्रिशन, नॉट इनक्रीज इन न्यूट्रिशन। एक ही पॉइंट याद रख लो, बाकी तो सारे सेम हैं, बट न्यूट्रिशन हैव अ ऑपोजिट इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू अदर। अच्छा, कोरल रीफ पर क्या इम्पैक्ट होगा? नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, द सेकेंड इज कोरल रीफ। कोरल रीफ नाम सुना है? अब कोरल रीफ का अगर देखो, एक स्टेटमेंट, ऑल कोरल रीफ विल बी एलिमिनेटेड विद क्लाइमेट चेंज, सही है गलत? नहीं, सही नहीं है, ठीक है, ओल्ड कोरल रीफ आर देयर एंड मेनी। अच्छा, एल्गी प्रोवाइड ऑल एनर्जी सोर्स टू कोरल रीफ, कितना प्रोवाइड करती है? अभी इसी में एक रीजन कितना मेजर, बाकी कौन डब्बा वाला देख गया था उसको, ठीक है, 90%। सी कोरल रीफ प्रोवाइडिंग 90%, एल्गी प्रोवाइडिंग 90% फूड टू कोरल, इसका मतलब 10% दे आर गेटिंग फ्रॉम सम अदर थिंग्स, है ना, इट मीन्स दैट दे कैन सर्वाइव ऑल्दो कोरल ब्लीचिंग इज देयर, ठीक है, तो कोरल इम्पैक्ट हो गया। सेकेंड थिंग इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या होगा, इनक्रीज इन मीन सी लेवल। नाउ विद द इंक्रीज इन मीन सी लेवल क्या होगा, सनलाइट को वो नीचे जाने के लिए हैव टू ट्रेवल अ मोर डिस्टेंस, इट मीन्स दैट वो डिक्रीज हो जाएगी टू रीच अ कोरल रीफ, और अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट हुआ कोरल रीफ। और भी इम्पैक्ट है ओशियन एसिडिफिकेशन, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, किसी और क्लास में करेंगे जब वो ओशियन एसिडिफिकेशन न्यूज़ में होगा, बिकॉज दैट इज अगेन अ लेंथी थिंग। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लियर, तो अब आप लिख लोगे ना इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म रिफॉर्म, जल्दी जल्दी करते, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। अब आप ये पॉइंट बस याद रखना, मुझे एक एक पॉइंट हर क्लास में बता देना, आई विल डिस्कस, तो आपका वो पूरा क्लाइमेट चेंज का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ।